रहा अतीत आज भी जिंदा है। इन भूतियों का तो फायदा बच गया। एक नंबर के ठरकी हो तुम। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का एंटीसिपेशन तो अभी पीक पर ही है भाई, और जाना समझो ना एंड आमी जे तोमर 3.0 इन जबरदस्त गानों के बाद अब इस फिल्म का एक और गाना रिलीज होने वाला है 30 अक्टूबर को, जिसका नाम होगा हुकुश फुकुश। वैसे ये टाइटल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि ये गाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कार्तिक बाबा अब एक बच्चा पार्टी सॉन्ग में दिखाई देने वाले हैं। जी दरअसल इस गाने का टीजर कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच कार्तिक बाबा दिखाई दे रहे हैं रू बाबा के अंदाज में, बिल्कुल माथे पर काला कपड़ा लपेट कर, रुद्राक्ष की मालाएं पहनकर और काला कुर्ता पजामा पहनकर। और आपको याद होगा तो हमने एक वीडियो में आपसे ये कहा था कि भूल भुलैया 3 के एक गाने में हजार आर्टिस्ट हमें नजर आने वाले हैं, तो शायद ये वही गाना है जिसमें हमें हजार बच्चे नजर आने वाले हैं। और इसमें तो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब उन्हें भी एक तरह से लाइमलाइट मिल ही गया इस फिल्म के जरिए। पर कहीं ये गाना अंडा पहले या मुर्गी पहले इस पर तो बेस्ड नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरारती बच्चे हाथों में कंकाल की तस्वीरें लेकर नाच रहे हैं, कोई डर नहीं है उन्हें। और रात के अंधेरे में कहीं इनका डांस दिखाई दे रहा है तो कहीं फायर दिखाई दे रहा है, तो ये गाना वैसा वाला गाना तो नहीं होगा, बल्कि दिवाली पर बच्चा पार्टी के साथ जश्न मनाने वाला तो ये गाना जरूर है। और सच कहे तो कार्तिक बाबा भी ना किसी बच्चे से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। वैसे कार्तिक तो बच्चों के फेवरेट भी है, इसलिए इसमें बच्चे और कार्तिक एकदम एक दूसरे को परफेक्ट मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल, अब इस पूरे गाने के आने के बाद ही हमें ये मालूम चलेगा कि इसमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बाय द वे, एक और चीज हमें बहुत ही अच्छी लगी इस गाने की, और वो है इस गाने में सोनू निगम की नटखट आवाज। मतलब सोनू निगम जो सुरों के बादशाह है, जो रोमांटिक गानों के बादशाह है, उनकी आवाज में ऐसे बच्चों वाले गाने सुनने में ना बहुत ही मजा आएगा। पर अभी तो थोड़ा सा ही मजा आया है, बहुत मजा आने के लिए ना इस गाने को पहले आउट होने देते हैं, जो कि 30 तारीख को शायद शाम 7 बजे तक आ सकता है, तो दिवाली के चक्कर में इसे भूलिएगा मत। वैसे इस फिल्म का जो पिछला वाला गाना था आमी जे तुमार 3.0, उसे अब तक 28 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। उससे पहले भूल भुलैया 3 के टाइटल सॉन्ग को 48 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तो अब ये देखना है कि जो बच्चा वाला पार्टी सॉन्ग आने वाला है उसे कितने व्यूज मिलते हैं, कितना प्यार मिलता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.